प्याज के दामों में बेतहाशा इजाफा होने के चलते प्याज बाजार से गायब हो गया है। वहीं प्याज हमीरपुर में 70 से 80 रुपए बिकने से ग्राहक भी प्याज खरीदने से गुरेज कर रहे हैं। हालांकि हमीरपुर में पिछले दिनों प्याज 20 से 25 रुपए बिक रहा था, लेकिन अचानक ही प्याज के दामों में भारी वृद्धि होने से अब लोग भी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि महंगाई के दौर में महंगा प्याज गृहिणियों के रसोई का भी जायका बिगाड़ रही है। प्याज के दामों में बेतहाशा इजाफा होने के चलते प्याज बाजार से गायब हो गया है। वहीं प्याज हमीरपुर में 70 से 80 रुपए बिकने से ग्राहक भी प्याज खरीदने से गुरेज कर रहे हैं। हालांकि हमीरपुर में पिछले दिनों प्याज 20 से 25 रुपए बिक रहा था, लेकिन अचानक ही प्याज के दामों में भारी वृद्धि होने से अब लोग भी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि महंगाई के दौर में महंगा प्याज गृहिणियों के रसोई का भी जायका बिगाड़ रहा है। प्याज के दामों को लेकर कुछ गृहिणियों से बात की। युवती दीक्षा का कहना है कि प्याज का रेट 80 रुपए बिक रहा है, जिस कारण घर चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्याज के रेट कम होने चाहिए। प्याज के रेट काफी ज्यादा हाई हो गए हैं, 70-80 के करीब चल रहे हैं। हम गृहिणियों को बड़ी दिक्कत होती है, घर के कामों को इसके लिए भी दिक्कत होती है, तो इस कारण मैं कहना चाहती हूँ कि प्याज के रेट कम किए जाएं। गृहिणी बिमला सोनी का कहना है कि प्याज के रेट पिछले कुछ दिनों से बहुत बढ़ गए हैं और सरकार को चाहिए कि महंगाई के दौर में प्याज के रेट कम होने चाहिए। बहुत महंगा है, पर लेना पड़ना। क्या रेट मिल रहा है? 60 रुपए। तो पहले भी महंगा था इतना? नहीं, क्या मांग है सरकार से? सस्ता किया जाए। सस्ता किया जाए और क्या है, इतना महंगी चीज कैसे, बड़ा मुश्किल है। नीलम शर्मा का कहना है कि सरकार को चाहिए कि खाने पीने की चीजों के रेट कम होने चाहिए और प्याज के रेट को कम किया जाना चाहिए। सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार को इस बारे में जो भी खाने पीने की चीजें हैं उनके ऊपर जो रेट है वो कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है और खाना पीना हर रोज की इंसान की जरूरत है, और ये जो रेट है ये सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। हर कोई 70 रुपये प्याज नहीं खरीद सकता है, या और भी जिन चीजों के ऊपर, खाने पीने की चीजों के ऊपर जो इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ रही हैं, वो सरकार को कंट्रोल करनी चाहिए। वहीं मीनाक्षी का कहना है कि प्याज के रेट ज्यादा होने से सभी मुश्किल के दौर में हैं और हर दिन रेट बढ़ने से सभी परेशान हैं, इसलिए दाम कम किए जाने चाहिए। मार्केट में प्याज जो वो 70 रुपए किलो हो गया है, अब हर कोई प्याज के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, तो इतना सरकार से हम यही मांग करेंगे कि जितना सस्ता हो सकता है उतना कीजिए। हम हर रोज इतने हर रोज हम मार्केट में जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो हर रोज हाई हो रहे हैं रेट, तो सरकार से हमारी यही मांग है कि प्याज को कम किया जाए और बाकी जो भी है उसको भी कम किया जाए, बस यही है। कार्यक्रम में वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।